हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो चलिए बात करते हैं कुछ नए स्टॉक्स के रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे रिजल्ट्स जो है आते हुए दिखे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अदानी टोटल की। अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे क्यू एन क्यू तो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब जाता हुआ दिखा है, नेगेटिव में गया है प्रॉफिट और इबिटा भी, और इनकम भी बिल्कुल जो है फ्लैट आती हुई दिखी है। हालांकि क्वार्टर एंडेड में बाई ऑन बाई लेवल पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बढ़त देखने को मिलेगी। ईयर एंडेड परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो यहाँ पे इनकम में तो बढ़त है लेकिन प्रॉफिट एक तरीके से फ्रेट आता हुआ दिखा है। इबिटा मार्जिन्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं डाउन जो है जाते हुए दिखे। 25 पैसे का इस बार इन्होंने जो है डिविडेंड भी दिया है और मार्केट में अच्छी खासी जो स्टॉक की पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है तो करेक्शन ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब यहाँ से यही देखना है कि जिस तरीके का ये क्यू एन क्यू का जो रिजल्ट आया है क्या यहाँ से और ज़्यादा स्थिति जो है बिगड़ने वाली है या और सुधरेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है फोकस रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान जो है इस पर देना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक कंट्रोल प्रिंट की। बहुत ही सॉलिड जो है इसका रिजल्ट आता हुआ दिखा है कंट्रोल प्रिंट का। मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से जो है बढ़ रही है, डिमांड जिस तरीके से जो आ रही है तो प्रिंटिंग की डिमांड भी जो है एक अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो है इबिटा मार्जिन भी जो है सस्टेन कर रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। 5 रुपये का कंपनी ने इस बार डिविडेंड भी दिया है। बहुत ही क्वालिटी जो है इस समय पर वर्क करती हुई दिख रही है कंपनी। केईआई इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन तब भी एक तरफा जो है रिजल्ट इनके बेहतर आते हुए दिखे हैं। केईआई इंडस्ट्री पावर एंड केबल, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, पावर एंड केबल सेक्टर में कहीं ना कहीं डिमांड है और उसका पूरा का पूरा जो है यूटिलाइज करती हुई दिख रही है कंपनी। यहाँ पर देखेंगे तो वीरता मार्जिन भी हालांकि सस्टेन होते हुए दिखे हैं, डिविडेंट या ऐसा कुछ इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक हिल्टन मेटल की, क्यू एन क्यू लेवल पर बहुत ही शानदार रिजल्ट है एंड यहाँ पे अगर वाई ऑन वाई लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा एक तरीके से इनका जो इनकम है उसके अंदर। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ठीक परफॉर्मेंस है इनकी और आने वाले अविरता मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सुधारते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना होगा कि कंपनी जो है किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकती है। तो बहुत ही जो है स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं सुधारते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें मोल्ड टेक पैकेजिंग, बहुत ही शानदार नतीजे और क्वार्टर एंडेड लेवल पे, ईयर एंडेड लेवल पे अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। इबिटा मार्जिन भी जो है इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 1.40 रुपये का इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी जो है दिया है और ऑलरेडी स्टॉक हालांकि काफ़ी अच्छा खासा ऑलरेडी भाग भी चुका है। तो यहाँ पे अगर इन 5 स्टॉक्स में से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी सारे स्टॉक्स भागे हुए हैं कंट्रोल प्रिंट पर, लेकिन ध्यान दिया जा सकता है ये स्टॉक आगे जाके और जो है बेहतर काम कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।